कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कटरा में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण अभियान चलाया। इसके बाद ये मसला भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान का कारण बन गया है। दोनों दल एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ बता दें कि कांग्रेस सांसद वैष्णो देवी के दर्शन को गए थे, अगले दिन जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी की पिंडियों को सिंबल कहकर विवाद पैदा कर दिया था। भाजपा ने इसे देवियों का अपमान बताया था। इसके बाद रविवार को भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को कटरा में गंगा जल छिड़क शुद्धिकरण अभियान चलाया था। और गांधी परिवार ने समय समय पर हमारी भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम किया है। जिस तरीके से जम्मू के अंदर आकर के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मैंने तीन सिंबल्स, जिनको माता रानी जो हमारी आस्था का केंद्र हैं, जो पिंडियां हैं, जिनको साक्षात हम देवी का स्वरूप मानते हैं, कांग्रेस के झंडे लेकर के जाना, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगना, गुलाम अहमद मीर के जिंदाबाद के नारे लगना, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगना, जहां पर माता रानी के जयकारे लगने चाहिए, जहां पर उद्घोष माता रानी का होना चाहिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने राजनीति और तुच्छ और घिनौनी राजनीति करने का काम किया है। उसी के लिए हम कटरा की इस पवित्र धरती को पुनः पवित्र करने के लिए गंगा जल का आज हमने थोड़ा छिड़काव किया। Thank you.